अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के मेंबर ने जनाना हॉस्पिटल के चिकित्सकों के साथ मिलकर पीजी विद्यार्थियों के लिए फैमिली मेडिसिन एवं इंटर्न के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर इंदु वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर ओबीजी डिपार्टमेंट ऑफ अलवर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त है। उन्होंने सभी डॉक्टर्स के लिए रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर एवं मैनेजमेंट ऑफ लेबर पर क्लास ली। उन्होंने बताया कि रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर क्या है, इसका मतलब क्या है। जब पेशेंट डिलीवरी के लिए आता है तो हमें लेबर पेशेंट के साथ बहुत ही तरीके से बात करनी है, उसकी हर तरह से रिस्पेक्ट करनी है और सम्मान पूर्व डिलीवरी करवानी है। साथ ही मैनेजमेंट ऑफ लेबर के बारे में बताया, लेबर की हर स्टेज को कैसे मैनेज करना है और सुरक्षित प्रसव करवाना है, ये हर डॉक्टर को आना चाहिए। संगोष्ठी के अंत में प्रश्नोत्तरी रखी गई, जिसमें डॉक्टर देवयानी राणावत, डॉक्टर नंदिनी शर्मा, डॉक्टर इंदु वर्मा, डॉक्टर कल्पना माथुर, डॉक्टर नीलम सिंघल, डॉक्टर सपना जैन, डॉक्टर सरोज शर्मा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर चारुल मित्तल ने भाग लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु वर्मा सूदू, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर, और जो जिसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महिला चिकित्सालय। आज हमने क्लास और डिस्कशन ली है अपनी पीजी स्टूडेंट्स जो फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हमारे इंटर्न्स, इनको आज हमने क्लास ली है मैनेजमेंट ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। बच्चा बच्चे की क्लास में हमने डिस्कस किया एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या हमने इस्तेमाल करने हैं तरीके, और कैसे मरीज को देखना है, मैनेज करना है, ताकि एक जो लेडी है रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर के अंडर एकदम सेफली डिलीवर होए और कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, और जच्चा बच्चा की ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कॉमनली जो पाई गई हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो जानी या कोई टीयर हो जाना और बच्चे को सांस के लेने में प्रॉब्लम होनी, ये सारी प्रॉब्लम से हम कैसे बचाव करें और ताकि अच्छी तरह से इन जो मदर्स हैं जो पेन्स ले रही हैं, दर्दें ले रही हैं, हम इनको कैसे मैनेज करें, ये आज हमने सब बच्चों को पढ़ाया और डिस्कशन की इसके बारे में। मैं डॉक्टर नीलम सिंघल, सेक्रेटरी ऑफ एओजीएस। आज हम लोग रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के संदर्भ में यहाँ जनाना हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं, जो कि अलवर मेडिकल कॉलेज के साथ में यहाँ पर संबंधित काम होता है जनाना हॉस्पिटल में। यहाँ पर सभी पीजी स्टूडेंट्स जो कि फैमिली मेडिसिन के हैं और साथ में इंटर्न्स, इन लोगों को एजुकेट किया है मैनेजमेंट ऑफ लेबर पे और साथ में रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के लिए। दिनी शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, मेंबर ऑफ एओजीएस हूं मैं। आज हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे, जैसे बताया है कि इंटर्न्स और पीजी स्टूडेंट्स जो हैं फैमिली मेडिसिन के, उनको हमने उनकी क्लास ली, डिस्कशंस किए। तो टारगेट इसमें यही है कि बर्थिंग का जो एक्सपीरियंस है एक औरत का वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन पेनफुल नहीं होना चाहिए, डेडली एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे केयर करें, क्या चीजों का ध्यान रखें, इसका हमने डिटेल्ड जो है डिस्कशन किया है और ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू। मैं डॉक्टर देवयानी राणावत, पेट्रन अलवर गायनियन ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी में हूँ। आज हम लोगों ने इंटर्न्स को और फैमिली मेडिसिन के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे सुरक्षित प्रसव कराया जाए उसके बारे में बताया है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा परसेंटेज है, उसको किस तरह से सुरक्षित तरीके से कराया जाए उसके बारे में हमने उनको बताया जच्चा बच्चा को, और उसमें पूरी रेस्पेक्ट महिलाओं को दी जाए प्रसव के दौरान उसके बारे में हमने उनको ज्ञान दिया।